तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं एक AMD बेस्ड सुपर बजट गेमिंग पीसी। अब ये वाला जो गेमिंग पीसी इसको ऑर्डर किया है हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर देवान भाई ने, जो कि आसाम से रहने वाले हैं। तो ये वाला जो पीसी है ये जाने वाला है आसाम, एंड इस वाले पीसी के ऊपर आप गेमिंग के साथ साथ वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, साथ ही साथ में फोटोशॉप ट्रेडिंग ये सारे काम तो आसानी से कर ही सकते हो, एंड फ्यूचर प्रूफ पीसी भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इस वाले पीसी को आप फ्यूचर में अपग्रेड भी कर पाओगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। तो यार प्राइस तो मैंने आपको बताया नहीं, इस वाले पीसी को आप बना सकते हो अंडर 50,000 रुपीज़, यानी कि 45,000 से लेके 50,000 के बीच आप इस वाले पीसी को बना सकते हो। एंड अगर आपको भी कुछ इसी तरह का गेमिंग एडिटिंग या फिर स्ट्रीमिंग पीसी बनवाना था तो अब आप आपका गेमिंग पीसी सीधा हमसे बनवा सकते हो एकदम सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके। हमारी इंस्टा आईडी की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन, साथ ही साथ में फर्स्ट पिन कमेंट में, यहाँ पे जाके मैसेज करके हमसे ही डायरेक्ट वीडियो या वॉइस कॉल पे प्रॉपर डिस्कशन करके आप भी बनवा सकते हो अपने लिए ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ गेमिंग पीसी। हम आपका पीसी आपके डोरस्टेप तक डिलीवर करवा देंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग अभी के टाइम पे भी पायरेटेड विंडोज यूज करते हो ना तो ये काफी ज्यादा रिस्की चीज है, एंड अभी के टाइम पे आपको यार विंडोज की कीज काफी ज्यादा चीप प्राइसेस से मिल जाती है। फ्रॉम VIP कीज आप लोग यहाँ से बाई कर सकते हो ओनली 650 रुपीज में, आपको यहाँ पे OEM कीज देखने मिल जाती है, एंड साथ ही साथ में 1100 रुपए में आपको रिटेल कीज देखने मिल जाती है, जो कि यार काफी ज्यादा सस्ती प्राइस है। एंड साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पे हमारा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है TC350 तो आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इनकी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से जाके परचेस कर सकते हो। गाइस पार्ट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये एक AMD बेस्ड पीसी होने वाला है, यानी कि यहां पे हमने प्रोसेसर यूज किया है AMD का उनका Ryzen 5 3600। अब ये आप लोगों को फिलहाल अभी के टाइम पे 10,000 के आसपास देखने मिल जाएगा। एंड AMD के कुछ प्रोस के बारे में बता देता हूँ, AMD के जो बजट वाले CPUs आते हैं ना उनको भी आप ओवरक्लॉक कर सकते हो, यानी अनलॉक्ड होते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे हमने जो मदरबोर्ड यूज़ किया है इसके अंदर आप 5000 सीरीज वाले प्रोसेसर आउट ऑफ द बॉक्स लगा सकते हो, तो फ्यूचर में आपको अपग्रेड करना था तो आप अपग्रेड भी कर पाओगे। एडिस वाले प्रोसेसर में आपको मिल जाता है टोटल 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड, साथ ही साथ में SMT का सपोर्ट यानी साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है। भले ये वाला प्रोसेसर थोड़ा सा पहले आया था बट परफॉर्मेंस अभी आपको अच्छे लेवल की ऑफर करवा देता है। अब यहाँ पे मदरबोर्ड के लिए गाइस यूज़ किया है हमने ASRock की तरफ से आने वाला उनका B450 Pro 4 मदरबोर्ड। अब ये एक फुल साइज वाला ATX मदरबोर्ड है, यहां पे आप लोगों को 4 RAM स्लॉट, NVMe SSD का स्लॉट, ARGB हेडर, मोर देन इनफ यहाँ पे आपको फैन हेडर्स देखने मिल जाते हैं। तो ओवरऑल काफी ज्यादा बजट में आने वाला बढ़िया मदरबोर्ड है। VRM सेक्शन भी यहाँ पे आपको ठीक ठाक से देखने मिल जाते हैं। हालांकि अगर आप ओवरक्लॉक करने जा रहे हो तो यार मेक श्योर कि यार एक AIO या फिर आफ्टर मार्केट एयर कूलर लगा लो तभी ओवरक्लॉक ये सब करो। एंड इसकी जो प्राइस है वो अराउंड आपको पड़ जाएगा ये वाला मदरबोर्ड 8000 से लेके 8500 के बीच। अब इसके बाद अगला जो कंपोनेंट है वो हमारा ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड के लिए यहाँ पे हमने GTX 1650 लगाया है जो कि GDDR6 वाला वेरिएंट है। 4GB की VRAM मिल जाती है एंड 1080p पे अगर आपको हल्की फुल्की मीडियम सेटिंग से लो सेटिंग पे गेमिंग करनी थी तो ये वाला ग्राफिक कार्ड आपके लिए परफेक्ट चॉइस होगा, क्योंकि ये जो ग्राफिक कार्ड है ये अभी आप लोगों को अराउंड 14,000 के आसपास मिल रहा है, जो कि यार पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम हो गई है इसकी प्राइसेस। पहले यही वाला ग्राफिक कार्ड काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा था। एंड गाइस गेमिंग ही नहीं, इस वाले कार्ड के ऊपर आप 1080p पे वीडियो एडिटिंग भी आसानी से कर सकते हो। एंड इसके बाद रैम के लिए यहाँ पे हमने 8GB की 2 स्टिक्स लगाई है जो कि XPG की है, 3200 MHz वाली रैम है। टोटल 16GB रैम यहाँ पे हम लगा रहे हैं जो कि आपको अंडर 4000 मिल जाएगी। एंड स्टोरेज के लिए गाइस यहाँ पे हमने 512GB की NVMe SSD लगाई है जो कि है XPG की उनकी SX6000 Pro। हीट सिंक के साथ ये वाली NVMe आपको देखने मिल जाती है। अब अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप हार्ड ड्राइव भी ऐड कर सकते हो। एंड आखिरी में इस पूरे बिल्ड को पावर अप करने के लिए यहाँ पे हमने 550 वोल्ट का PSU लगाया है जो कि है डीप पुल का PF550 80+ स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के साथ आता है। ब्रीडेड केबल्स आपको देखने मिल जाते हैं एंड इस वाले PSU की वजह से आप फ्यूचर में इसी वाले PC के ऊपर आराम से यार ग्राफिक कार्ड प्रोसेसर भी अपग्रेड कर सकते हो। लास्ट में केस के लिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला उनका 250 एयर केस जो कि आप देख ही सकते हो। अब बटन यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है जिसकी मदद से आप आराम से फैन वैन को चेंज भी कर सकते हो, फैन के जो भी इफेक्ट्स आते हैं। ARGB फैन आपको यहाँ पे 3 देखने मिलते हैं। रियर में कोई फैन नहीं है, हालांकि यार मेश डिजाइन की होने की वजह से यहाँ पे एयर फ्लो में कोई शिकायत नहीं होगी, बट अगर आपको ज़्यादा एयरफ्लो चाहिए तो पीछे एक एग्जॉस्ट के लिए फैन आप लगा सकते हो। एंड यहाँ पे बेसिक से सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं आपको इसमें, जैसे टेम्पर्ड ग्लास, PSS राउड, मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर, टॉप पे AIO भी लगा सकते हो। एंड इसकी जो प्राइस है वो भी ज्यादा नहीं है, ये आपको अराउंड 3600 से लेके 3800 के बीच मिल जाएगा। तो ये थे वो सारे पार्ट्स जो कि हम इस वाले बिल्ड में यूज करने वाले हैं। अब फटाफट से यार इस वाले PC को बिल्ड कर लेते हैं। तो गाइस सब कुछ हमने ऑलरेडी रेडी कर दिया है एंड फटाफट से अब यार इस वाले PC को बिल्ड कर लेते हैं। सो
अनबॉक्स मैंने यहाँ पे मदरबोर्ड को कर दिया है एंड प्रोसेसर को भी अनबॉक्स कर दिया है। प्रोसेसर यहाँ पे मैंने रखा हुआ है जो कि हमारा राइजन 5 3600, ये देख लो आप। एंड स्टॉक कूलर उसका वहाँ पे पड़ा है एंड ग्राफिक कार्ड ये रहा। एंड यार ग्राफिक कार्ड को भी अनबॉक्स कर लेता हूँ मैं लगे हाथ। तो ये देख लो यार सील वील पूरा पैक है, तो फटाफट से इसकी भी सील तोड़ के इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। अब ये हमारा 1654 GB वाला ग्राफिक कार्ड में दो वेरिएंट आता है, एक DDR5 वाला आता है और एक DDR6 वाला आता है। तो मेक श्योर कि आप हमेशा DDR6 वाला ही कंसीडर, वो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करता है। तो सील विल यार आप लोग देख लो एकदम। अब ये हमारा ग्राफिक कार्ड जो कि है ड्यूअल फैन का 1650, तो इसको फिलहाल हम साइड पर रख देंगे। सो गाइज यहाँ पे सारा कुछ हमने रेडी कर लिया है, बस फटाफट से इस वाले पीसी को बना लेते हैं। एंड बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको ये स्क्रू निकालना पड़ेगा, जो दोनों प्लास्टिक से इनको निकालना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हम स्टॉक कूलर लगाने वाले हैं एंड इन प्लास्टिक्स का भाई कोई काम नहीं है। अब इस मदरबोर्ड के अंदर गाइस आप लोगों को 4 रैम स्लॉट मिल जाता है एंड साथ ही साथ में यहाँ पे आप लोगों को ARGB हेडर भी देखने मिल जाता है। तो अगर आप ARGB फैन वैन लगाने वाले हैं तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइस ये रहा हमारा प्रोसेसर जो कि हम इस वाले बिल्ड में लगाने वाले हैं। फटाफट से यार इसको लगा लेते हैं, लीवर को ऊपर कर लेंगे एंड यहाँ पे एरो की हम देख लेते हैं, प्रोसेसर के ऊपर भी एरो की देख लेंगे एंड सिंपली इसको रख के लीवर को बंद कर लेंगे। तो ये प्रोसेसर हमने लगा लिया है, अब स्टॉक कूलर की बारी आ जाती है। स्टॉक कूलर ये रहा हमारा, तो स्टॉक कूलर को फटाफट से लगा लेता हूँ। एंड AMD वाले जो स्टॉक कूलर आते हैं वो काफ़ी बेहतर आते हैं। यहाँ पे पेस्ट आपको पहले से ही प्री अप्लाइड मिल जाता है, पेस्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। रैम के अपोजिट आपको रखना है AMD का लोगो एंड यहाँ पे चारों स्क्रूज़ को अलाइन करके आराम से आपको एक एक साइड के स्क्रू टाइट कर देने हैं। तो गाइस प्रोसेसर को हमने प्रॉपरली लगा दिया है एंड अब हम लगा लेंगे इसके फ़ैन को फ़ैन हेडर वाले सॉकेट में, जो कि ये रहा ऊपर की तरफ आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आराम से इसके वायर को एक फोल्ड मार के इसको इसके अंदर लगा दो। एंड इसके बाद गाइस हम अपने रैम को लगा लेते हैं जो कि ये है हमारा 8 GB का 2 रैम है XPG का। इसको भी फटाफट से मैं खोल लेता हूँ एंड फटाफट से यार इसको भी लगा देते हैं। इसको मैं अनबॉक्स करना भूल ही गया था। एंड गाइस ये रैम लगा रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम दोनों रैम ड्यूअल चैनल वाले स्लॉट के जो कि है A2 एंड B2। तो मेक श्योर कि अगर आप कोई AMD बिल्ड बना रहे हो तो अपने ड्यूअल चैनल वाले स्लॉट में लगाओ ताकि आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। अब गाइस ये वाला जो बिल्ड है ना ये फ्यूचर प्रूफ भी है, क्योंकि यहाँ पे जो मदरबोर्ड लगा रीजन के 5000 सीरीज़ वाले प्रोसेसर इजीली लगा सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है। तो अगर आपको अपग्रेड करने हो फ्यूचर में 300X हो गया ऐसे प्रोसेसर आप आराम से इस वाले मदरबोर्ड पे लगा सकते हो। तो रैम अब बारी आती है NVMe की जो कि ये रही। अब यार इसको भी अनबॉक्स करना मैं भूल गया हूँ, तो फटाफट से इसको ही मैं अनबॉक्स कर गया इसको। एंड ये वाली NVMe के साथ आप लोगों को सिंक भी देखने मिल जाता है, हेडर को भी हम ऊपर लगा देंगे। ये रहा हमारा NVMe का स्लॉट एंड NVMe का जो स्क्रू है उसको पहले निकाल लेते हैं हम एंड उसके बाद अपने NVMe को फटाफट से यार स्लॉट में लगा देते हैं। तो गाइस NVMe हमने लगा ली, अब यार इसके हीट स्प्रेडर को भी लगा देंगे ग्लू निकाल के। अब वो हमने कर लिया है कंप्लीट, अब बारी आती है इसको अपने कैबिनेट के अंदर डालने की। तो इसको फटाफट से यार अपने केस के अंदर लगा देते हैं। तो गाइस केस को हम निकाल लेते हैं इस बॉक्स के बाहर से, जो कि हमारा 250 एयर। एक ओवरव्यू ले लो, आगे 3 पंखे मिल जाते हैं, पीछे कोई फैन नहीं है। साइड का पैनल खोल लेते हैं एंड टेम्पर्ड ग्लास को भी खोल लेते हैं, दोनों को साइड में संभाल के रख देते हैं। सबसे पहले लगा लेते हैं अपने IO शील्ड को जो कि हमको मदरबोर्ड के बॉक्स में देखने मिल जाती है। अब IO शील्ड लगाने के बाद यहाँ पे दो चीज़ें बचती है, या तो आप पावर सप्लाई लगा लो या तो आप मदरबोर्ड लगा लो। बट यहाँ पे हम पहले मदरबोर्ड लगाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि पावर सप्लाई लगा लेंगे तो काफ़ी सारे केबल्स यार साइड में लटकते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मदरबोर्ड लगा के यहाँ पे 4-5 स्क्रूज हम मार देते हैं कैबिनेट के अंदर एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कैबिनेट वाले जो भी केबल्स है, जैसे USB का कनेक्शन हो गया, फ्रंट पैनल कनेक्शन हो गया, इन सारे केबल्स को हम अब मदरबोर्ड में लगा लेंगे एंड इसके बाद हम लगाएंगे अपना पावर सप्लाई ताकि ज़्यादा केबल्स नहीं रहे एंड पावर सप्लाई को PLC शराउड में लगा लेते हैं। 4 स्क्रूज पीछे लग जाएंगे एंड उसके बाद पीछे जो भी यार अब केबल्स बचे हुए पावर सप्लाई वाले, जैसे 28 पिन कनेक्टर हो गया, हमारे मदरबोर्ड को पावर देने के लिए केबल हो गया, PCI केबल को हम बाहर निकालेंगे, सारे केबल्स को मदरबोर्ड में लगा लेते हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम अपना ग्राफिक कार्ड लगा लेंगे जो कि है 1650, इसको हमने ऑलरेडी अनबॉक्स करके रखा हुआ था, इसको लगा लेते हैं। एंड यहाँ पे भी यार साइड में एक स्क्रू मार देते हैं ताकि हमारा जो ग्राफिक कार्ड है वो हिले डुले नहीं।
अब यहाँ पे ग्राफिक कार्ड को पावर दे देते हैं पीसीआई केबल से, लास्ट में हम जिप टाइज की मदद से अच्छा सा केबल मैनेजमेंट कर लेते हैं पीसी के पीछे, ताकि हमारा जो पीसी है वो एक साइड से ही नहीं दोनों साइड से यार अच्छा दिखे। एंड यहाँ पे फाइनली पीछे का जो पैनल है उसको बंद कर लेते हैं, पीसी को टर्न ऑन कर लेते हैं। तो आप लोग यार कमेंट करके बताओ ये वाला पीसी आप लोगों को कैसा लगा। एंड यहाँ पे आप इफेक्ट भी चेंज कर सकते हो, जो यहाँ पे आपको ARGB फैन मिलते हैं ऊपर दिए गए बटन के थ्रू। अब ये वाला वीडियो देखने के बाद आप लोगों में से ज्यादातर लोग सोच रहे हो कि भाई अगर आपको पीसी ऑर्डर करना है तो आप किस तरह से ऑर्डर कर सकते हो। एकदम सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके आप भी अपना पीसी बनवा सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जो कि है टेक कम्युनिटी इंडिया। यहाँ पे जाओ, मैसेज करो मुझसे ही यार वीडियो या वॉइस कॉल पे, प्रॉपर डिस्कशन करके आपका स्पेक्स डिस्कस करो एंड फाइनल कर दो आपका ऑर्डर। वहीं पे आप ऑर्डर भी दे सकते हो। हम आपके गेमिंग पीसी में विंडोज गेम्स स्ट्रेस टेस्ट ये सब कुछ करके आपके डोरस्टेप तक डिलीवर करवा देंगे। अब ऑर्डर कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। फटाफट से आप लोग इस वाली वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा नहीं बट 1000 लाइक फटाफट से आप लोग कंप्लीट करवा दो। बाकी यार मैं भी मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।